राव जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं चंदन सिंह हुआ सर। चंदन सिंह जी, तो मसाला और प्याज भून रहे हैं अभी ना? प्याज और मसाला है सर। अच्छा, आप गोश्त डाल रहे हैं? जी हाँ। और क्या, कब शुरुआत की आपने इस दुकान की? ये तो 86 से है। 86 से, लगभग 34 साल हो गए। थोड़ा बहुत बनाता था, किलो दो किलो चिकन चावल, राजमा चावल। अब जब से मटन चला है तब से मैं राजमा वगैरह नहीं बनाता, सिर्फ मटन और भात। बस मटन और चावल। उसके यहाँ पे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? शिकार भात। शिकार भात, ये इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत पतली बनाता ना, जैसे होटल में होता है ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो, मेहरबानी करा नेचुरल सूप था। और इसको पकाते रहेंगे ना? बस ये 45 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, खड़े मसाले में एकदम बनता ना मीठ। हाँ, ये बहुत आता है मीठ, पहाड़ी बकरों का। कौन सी जगह से आता है ये? जब गर्म पानी खैरना बोलते हैं। अच्छा। जो बकरा यहाँ में बनाता है वो छाल से ही बनता है, वही चमड़ा से ही। उसको पहले जला देते हैं बाल को? हाँ, बाल जला दिए और भून के बिल्कुल ड्रेसिंग करा दिए, फिर उसको साफ करके धो दिया, तब जाके उसके टुकड़े बनते हैं। तो मसालों के बारे में बताइए, मसाले में क्या क्या डालते हैं? मसाले में सभी वाला जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, काली मिर्ची इत्यादि सभी ठहरा। तो यहाँ के लोकल मसाले जो है जैसे गंधेरनी और जम्बू, वो भी जाता है? गंधेरनी तो मैं मंगाता हूँ, बाहर से आते हैं बिक्री करने वाले। अच्छा, तो उनसे लेता हूँ मसाला, जिसे मैं पीसता हूँ मसाले के साथ डालता हूँ। डालते हैं वो भी डालते हैं। अभी देखिए इसमें जम्बू की स्मेल आ रही है, थोड़ी खुशबू ली जाए। तब मैं 1 kg मिर्च बनाता था, 1 kg मिर्च से मैं आज 20 किलो भी बनाऊँ तो इसी जगह, 10 किलो बनाऊँ तो इसी जगह में। मतलब काफ़ी लंबा सफ़र रहा आपका? रहा, बहुत लंबा रहा है। लगा लो 86 से लेके अब जाके 2010 से मैं करीब 20 किलो 18 किलो ऐसे बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। टाइमिंग है अपना 11 से 2, 3 घंटे में निपट जाता है। मतलब कोई भी नैनीताल से हल्द्वानी जाए या हल्द्वानी से नैनीताल जाए, और रुकता नहीं रहा। दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, पंजाब प्लस गुड़गांव, इधर रुद्रपुर, गदरपुर, बिलासपुर, सीधे नीचे को आ जाओ, शांतिपुरी, खटीमा, नाना गुट्टा, हल्द्वानी, नैनीताल वाले तो भवानी वाले तो हमारे राजदिन के हैं, और तो जब चलते फिरते हैं तब आ जाते हैं। बीस मिनट और। चल, पानी की धार बना के ढक्कन में डाल, थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होता है? इससे ये होता है साहब, ठंडा पानी मीट में पड़ता नहीं है। मटन के भाप से ढक्कन गर्म रहेगा, भाप से ही पानी उबलेगा। अगर हम मीट में ठंडा पानी डालेंगे मीट नहीं पकेगा, तो गर्म पानी होते रहेगा, उबलते रहेगा, तो उसका मीट का असर स्वाद बढ़ते जाएगा। अब पहले तो मेरे पास एक हांडी था पितल का, तो इस बीच में वो पहाड़ के ऊपर जाने में वो आदमी जो जा रहा था बोरा पीठ में ले जा रहा था, उसके ऊपर हांडी थी, रोड में आई तो उसे 4 टुकड़े हो गए। यदि हांडी वाला मटन आप अगर यहाँ पर खा लेंगे तो आप कहेंगे वाह रे वाह, फर्स्ट चांस का मीट है। अच्छा जी, तो अब वो यहाँ मिलते नहीं है, पितल नगरी मुरादाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा, और या पीलीभीत पितल नगरी में, यहाँ लोकल दुकानों में नहीं मिलता, वो बहुत कीमती चीज़ होता है, उसकी कीमत है इसमें 800-850 रुपये किलो का होता है, वो होता है अष्ट धातु का बर्तन, उसमें लगता है ऊपर से लोटे का ढक्कन, अगर उसमें मीट बन जाएगा ना तो आप कहेंगे क्या मीट बना है, क्या सूप का मजा है, आप मीट कम खाएंगे सूप ज़्यादा पियेंगे। झोल ज़्यादा बनता है उसमें? वो झोल भी बनता है, भाप द्वारा बनता है ना, उसमें भाप आपसे आप बनता है, केवल ये भाप के पानी से ही सूप बनता है। अभी आपके सामने मैंने मसाले में मीट डाला, आपने देखा मीट से ऊपर पानी आ गया? जी जी, आया नहीं आपको? पानी तो नहीं पड़ा था ना? नहीं नहीं, कच्चा पानी डालने का मतलब ही नहीं होता है, तो अब पानी पड़ रहा है, तब जाके ऐसा मसाला बराबर आएगा।
ये है 1121 चावल, जो दूसरा वाला होता है गोल्डन सेला वो अलग होता है, वो अलग होता है, हाँ। वो पीला कलर का होता है और खाते ना मुँह में भी लगता है, एकदम खुशक होता है ना, हाँ। वो बन नहीं पाता है, उसका स्वाद नहीं है उसमें, इसका स्वाद नहीं है, इसका स्वाद तब भी है। चावल तो मटन के साथ बनना चाहिए, भात गीला, हाँ। सूप के साथ मोटा चावल हो गीला हो तो और बढ़िया है। तो वो नहीं पसंद करते लोग, वो असल में जैसे ग्राहक आते हैं आपको राइस जो चाहिए खुला चाहिए, भाई साहब को एकदम गीला चाहिए, हर किसी का स्वाद तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक बर्तन का खाना है। अभी नवरात्रि में जाऊंगा मुरादाबाद, तब लेकर आऊँगा हांडी, अभी टाइम लगेगा सर थोड़ा, कस्टमर आने लगे, कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे। अभी पानी इसमें चला गया, अभी इसमें दूसरा पानी, लेट है आधा घंटा लेट, मतलब जब से हम लोग आए हैं कस्टमर आए जा रहे हैं, सबको पता है केवल फोर व्हीलर गाड़ियाँ जो रुकेंगी 11 बजे बाद, सबको पता है 9 बजे से ही लोग आना शुरू कर देते हैं, तैयार हुआ तैयार हुआ, सारा माल यहाँ पर करना है, आपके सामने सारा माल तैयार कर रहे हैं। अब ये नहीं कहना है कि इधर से मीट बन के आ रहा है, इधर से चावल बन के आ रहा है, वो मेरा हिसाब नहीं है, सब पहाड़ी माल ठहरा है। कस्टमर आ गए, बाबू आखिर में आ जाएंगे, ऊपर आना ही पड़ेगा, ये जो पानी पड़ते रहेगा जितना सूप पतला होगा उतना स्वादिष्ट होगा, क्योंकि मसाला बराबर मिल जाएगा। और इसको कहते हैं लोग मंदिरों वाला मीट, बांट वाला, बांट जो कई लोग शुरुआत जो कहते हैं, कई ग्रेवी जो बोलते हैं, कई बांट दे जो कहते हैं, बांट वो है ना, ये पानी वाला जो होता है बांट के साथ, इसलिए मैं अपना पहाड़ी नेचुरल रखता हूँ। कई नाम है इसके, कई नाम रखे शुरुआत, शिकार भात, पहाड़ी भात, झोल भात, बाट भात, मीट चावल वाला हिसाब भी ठहरा ही, मीट चावल, मटन चावल, मीट भात, मटन भात, जो ठहरा दो बर्तन में है, ये सारे नाम है इसके, सारे दो बर्तन में, क्या बात। अब ये भाई लोग आते रहते हैं, इनसे पूछिए कि कितने प्रकार के आदमी आते हैं और इस सूप को गिलास से भी पीते हैं। अच्छा, जैसे आपको सूप में मज़ा आ गया, आपको अब चावल में अगर ठंडा है तो आप कहेंगे गिलास में थोड़ी बांट दे दो, एक गिलास दे देंगे, तो पीना है जैसे आप चाय पीते हैं वैसे उस बांट को पीजिए। अरे तो हमारे लिए लगवा दीजिएगा आप, अभी जब बन जाएगा बांट पिलाएंगे, हाँ बांट पिलवाइएगा। तैयार हो गया गौरव जी, है खींचने वाला हो गया, अभी वक्त समय लगेगा अभी, और अब कहाँ से होके आ गए? अभी नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल हल्द्वानी से, नैनीताल, नैनीताल से वापस हल्द्वानी, कितना किलोमीटर हो आता है? 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की राइड, 80 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मटन बनता है, अभी थोड़ा टाइट है, तो अभी नहीं है, अभी टाइट है थोड़ा ना, टाइट है, लोचने वाला है, दो मिनट आग चेक कर, सब सही आ जाएगा, है तो बहुत स्वादिष्ट, खिचवा जितना खाओ उतना स्वादिष्ट, गला वजह यह है कि मरीजों का खाना हुआ, फिर मज़ा क्या है मीट खाने का, फिर जब गला खा लिया
चिकन से चिकन क्या खाना है, 20 दिन का बच्चा सारा किलो का बन रहा है, खाओ देसी चिकन खाओ, पहाड़ी जो गांव में पले होते हैं, कलर वैरायटी होता है वो खाइए, उसका स्वाद देखिए। तो शिकार तैयार हो गया? बस शिकार तैयार है, चावल लगा रहे हैं भाई लोग बैठे हुए हैं, शुरुआत कर रहे हैं। चलिए टेस्टिंग के लिए आते हैं। ये टेस्टिंग के लिए नहीं है सर, ये तो इनका प्रेम है जो गाड़ी रुक जाती है। गल चुका है ये, अभी तो सूप का टेस्ट लिया मैंने, अभी गरम हुआ था ना, थोड़ा सा सही है। चेक चेक में कितने पीस खा जाएंगे? हाँ ऐसी होता है, आधा किलो एक किलो तो चेक में जाता है, पैकिंग वाले आते फिर उन्हें एक पीस चेक कराना। अच्छा, एक पीस होता है, एक पीस जैसे जैसे पकते जा रहा है वैसे स्वाद बढ़ता जा रहा है। पक गया, पक गया, मेरे को अच्छा लग रहा है। बीच बीच में मसाले भी आ रहे हैं, इलायची का आया, इलायची भी होगी, हरी मिर्च भी, लौंग भी आएंगे, कहीं कहीं पर उबल रहा है ना मसाला, ऊपर चढ़ा होगा। चंदन जी, मैं तो इतनी देर से देख रहा हूँ, जितने प्यार से आप खिला रहे हैं तो उतना कोई नहीं खिला रहा है। यही बिहार से खिलाता हूँ हर कोई को, कोई भी कस्टमर आए, ये कहना नहीं है कि बाहर का इस तरह से बनाओ, लोकल का इस तरह से बनाओ, ये नहीं है, एक रेट एक बिहार और एक ही खाना एक ही हिसाब से खिलाऊँगा। और आपका जो प्राइस है वो भी बहुत मुनासिब है, 180 रुपये में चावल भी मिल रहा है, मीट भी आप इतने सारे पीसे 4-5 पीस डाल देते हैं, होटल में कोई नहीं खिला रहा, छोटे छोटे पीस मिलते हैं, और मतलब वही ना कि खाना खिलाने वाले का भाव बहुत महत्व रखता है, तो आपका दर्शा रहा है खाने में। अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद। अब समय आ चुका है शिकार भात खाने का, चलिए। 3 बार हर 15-15 मिनट पे चखने के बाद अब खा रहे हैं भात के साथ है? साथ में अर्जुन जी हैं जो सुबह जब हम पहुंचे थे तो मीट पका रहे थे, और इनके साथ हम मीट भात खा रहे हैं, शिकार भात खा रहे हैं, इसको इसके कई नाम हैं, शिकार भात, झोल भात, और कोई नेपाली में भी बोलता है झोल भात बोलता है, एक कौन सा जो होता है भुने हुए मीट को क्या बोलते हैं, भुना हुआ मीट। इसमें दोनों मिक्स है, एक तो भुना हुआ भी है और सादा भी है। हाँ, सादा। चलिए सर शुरू किया जाए, मतलब ये लग रहा है कि इंतज़ार करना सही रहा। तो जो भुना हुआ मीट होता है क्योंकि ऊपर स्किन होती है उसमें, सही है, ये भुना हुआ है ना? हाँ जी। इसके बाल जो होते हैं उसे जलाया जाता है, पूरा साफ किया जाता है ना पानी, तब जाके थोड़ा बालों का पता नहीं चलता। जो मसाला ये पीसते हैं वो सिलबट्टे पे पीसा जाता है, उससे थोड़ा सा एक कोर्स रह जाता है, तो आपको बीच बीच में उसका स्वाद आता है। हाँ जी, है ना। ये देखें इसको यहाँ क्या बोलते हैं, नली, नली बोलते हैं, नली ना, सबसे बढ़िया पीस यही होता है। यहाँ पे देखा मीट से लोग सूप मांगते हैं। हाँ जी, है सूप में ये होता है, सब मीट का पका हुआ सब रस निचोड़ के सब सूप में ही आता है, सारी जान सूप में ही रहती है, तब जाके सूप ज़्यादा मांगते हैं लोग, ग्लास ग्लास भर के सूप पी रहे हैं। हाँ जी, है
और एक और बात है, यहाँ का जो पहाड़ी मीट होता है उसका अपना खुद में बहुत स्वाद होता है। मीट में सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, मीट कहाँ से आ रहा है, कैसे भुन रहा है, मसाले सिलबट्टे पीस रहे हैं सरसों के तेल में, लकड़ी के चूल्हे पे, पहाड़ों का पानी, जी इसका भी स्वाद है। इसे कहते हैं आत्मतृप्ति, मतलब खुशी। बिल्कुल। लिटिल पैक, लिटिल पैक बस बस, लिटिल लिटिल पैक, लवली लवली पैक, लवली लवली पैक। हाँ अब और स्वादिष्ट हो गया है, जितना बनेगा उतना पकते बढ़िया रहेगा। मैं कह रहा हूँ हर 15 मिनट पे स्वाद बढ़ते जा रहा है इसका, बढ़ते रहेगा। अभी लास्ट में देखिए क्या मजा, 2 बजे फुल टेस्ट फुल रहेगा। वही मैं चंदन जी ये कह रहा था कि आप लोग मीट लाने से लेकर पकाने तक और पड़ोसने तक सब में प्यार है, वही है और वही स्वाद लाता है। अब देखिए मटन वाला आया, नगद कैश पेमेंट किया है ना, वो भी खुशी से किया, उसको कुछ बोला नहीं। ये नहीं कहना कि जब 2 पैसा रुको अपने न बचे, इससे कोई दोहराई नहीं है। मैं घर भी खुल रहने की अपना कस्टमर भी। बहुत टेस्टी, बहुत ही उम्दा था, मज़ा आया, मज़ा आना भी है ना, क्योंकि लोकल में पहचान क्या है। मज़ा नहीं आया तो फिर तो ये ऊंची दुकान हो जाती। वो कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ आपकी दुकान नीचे है लेकिन पकवान बहुत ऊंची है। बस यही है, तो बेसन के लड्डू लो, अरे ये गुड़ होता है, इसको बेसन का लड्डू बोलता हूँ। अरे बहुत टेस्टी होगा, गुड़ भी लड्डू से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। यही है कि गुड़ मटन खाने के बाद गुड़ चूड़ी में गुड़ ही रखता हूँ जी। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा, दोबारा सेवा का मौका और दो, जरूर आएंगे, पक्का आइए। चलिए।